अरविंद केजरीवाल को भेजा गया चौथा समन। क्या सीएम केजरीवाल करेंगे चौथा समन भी इग्नोर? चौथे समन को ना मानने पर क्या करेगा ईडी? क्या ईडी केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले दो महीने में चार बार तलब किया है। केजरीवाल ने 3 जनवरी को लगातार तीसरी बार समन पर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने समन को अवैध भी बताया है। ईडी ने अब केजरीवाल को चौथा समन जारी कर 18 जनवरी को पेश होने को कहा है। केजरीवाल चौथी बार भी निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए तो क्या होगा? क्या पांचवा ईडी समन भी आएगा? केजरीवाल के पास चौथे समन से बचने की कोई संभावना बचेगी या फिर नहीं? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर चौथे समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए तो ईडी क्या करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होना था, लेकिन केजरीवाल ने तीसरी बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर दिया। आपके मुताबिक केजरीवाल ईडी के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है। उनका इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का है, वे उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। केजरीवाल ने ईडी के तीसरे समन को मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए उन्हें चौथा समन भेजा गया है। चौथे समन पर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो ईडी उनके खिलाफ कोर्ट जाएगी। ईडी केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करा सकती है। धन शोधन निवारण अधिनियम नियमों के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति केवल 3 बार ही ईडी के समन को इनकार कर सकता है। चौथी बार समन को नजरअंदाज करने की स्थिति में ईडी के पास अदालत से गैर जमानती वारंट मांगने की शक्ति और विकल्प भी है। वारंट जारी हुआ तो संबंधित व्यक्ति को कोर्ट के सामने मजबूरन पेश होना ही पड़ेगा। यदि व्यक्ति फिर भी विरोध करता है और कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर अदालत में लाया जा सकता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों का हवाला देते हुए 3 जनवरी को तीसरी बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने समन पर कानूनी आपत्तियों का हवाला देते हुए और एजेंसी पर न्यायाधीश जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने का आरोप लगाते हुए ईडी की कार्रवाई के पीछे के मकसद पर भी सवाल उठाया था। ईडी ने नया नोटिस जारी करके केजरीवाल की इस दलील को फिर से खारिज कर दिया है कि उन्हें जारी किए गए समन कानून सम्मत नहीं थे और इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि ईडी इस मामले में एक नया पूरक आरोप पत्र दायर करेगी और आपको आबकारी नीति के माध्यम से उत्पन्न कथित रिश्वत के लाभार्थी के रूप में आरोपित कर सकती है। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने संबंधी दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में घोर खामियां थीं और इसके जरिए कुछ डीलर का पक्ष लिया गया जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। आपने इस आरोपों का बार बार खंडन किया है। बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।